बड़ी खबर का रुख करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती हुई है, भारी गिरावट सामने आई। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी है। पेट्रोल 9.5 रुपए, डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी है, बड़ी खबर आपको बता रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती, पेट्रोल 9.5 रुपए जबकि डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी सरकार ने घटाई है, आम आदमी को बड़ी राहत। पेट्रोल 9.5 रुपए, डीजल 7 रुपए तक सस्ता हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आम जनता से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी है, पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता हुआ है, डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती सामने आई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम जनता से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, आपकी जेब से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी सरकार ने घटाई है। पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता हुआ है, डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती की गई है सरकार के द्वारा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम जनता से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कम की है। पेट्रोल पर प्रति लीटर 9.50 रुपए गिरावट की गई है, कमी की गई है कीमत में। इसके अलावा डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी है, पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है, डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम जनता से जुड़ी, जनता की जेब से जुड़ी बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोल 9.50 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है जबकि डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। और करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद का, शब्बीर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है, कितना असर जनता की जेब पर पड़ेगा, कितनी राहत जनता की जेब पर मिलेगी जनता को? देखिए शुभम, ये कह सकते हैं कि आम जनता जो महंगाई की मार झेलती भी नजर आ रही थी उसको काफी बड़ी राहत केंद्र सरकार ने दी है। और पेट्रोल डीजल दोनों की एक्साइज ड्यूटी कम की गई है और इसके साथ साथ गैस सिलेंडर की भी कीमत कम की गई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि घरेलू गैस की कीमतें बढ़ रही थी, इससे आम जनता परेशान थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पहले पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाई और उसके बाद जानकारी ये भी निकल कर सामने आई कि घरेलू गैस से भी 12 जो सिलेंडर मिलते हैं हर साल उसमें से भी 200 रुपये की कटौती की गई है, यानी आम जनता को काफ़ी राहत दी गई है। मैं पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूँ और आप देखेंगे राजधानी भोपाल की बात की जाए तो करीब 118 रुपये में राजधानी भोपाल में पेट्रोल बिक रहा है और 9.5 रुपये कम कर दिया जाए पेट्रोल को तो ये सीधे जो कीमत है वो 108 रुपये के आसपास आ जाएगी, यानी आम जनता को सीधे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे आप डीजल की कीमतें 101 रुपये के करीब है और इसमें भी 7 रुपये की कटौती की गई है, यानी 94 रुपीस का डीजल मिलेगा कल से। और इसके साथ साथ घरेलू गैस की भी कीमतों में कम की गई, कैसे देखते हैं, पेट्रोल कम किया गया करीब 9.5 रुपये और डीजल भी 7 रुपये, कैसे देखते हैं इस, लगातार जनता परेशान थी, उन सबके बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अच्छा फैसला लिया सरकार ने, सरकार का बहुत अच्छा फैसला रहा। अब वही आप इधर आइए, कितना फर्क पड़ेगा आपकी जेब का, आप दिन भर में कितना पेट्रोल भराते थे महीने का या फिर कितना? 200 रुपये का पेट्रोल डलवाता था मैं, यानी अब बचत होगी आपकी। चाचा आप कैसे देखते हैं, पेट्रोल 9.5 रुपये कम कर दिए गए लीटर पर? हाँ कुछ फायदा है, अभी हमारा 100 रुपये रोज का जलता है और अब थोड़ा फायदा है इसमें के कम हुआ है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। भैया कैसे देखते हैं सरकार का बड़ा फैसला लिया गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की गई है? और किसी से पूछ लो भाई साहब, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, पूछ लो। कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? अच्छी पहल है, होना चाहिए अच्छी पहल है। और भी भाई ये आप एक ग्वालियर से कर्ण, किस तरह की तस्वीर, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, ग्वालियर में लोग क्या कुछ कर रहे हैं? कर्ण मिश्रा, रोज भराते होंगे? अरे तो कभी कभार चलाते हैं। डीजल में एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, जहां पेट्रोल में 9.5 रुपए और डीजल में 7 रुपए के दामों में कटौती की गई है, उस आधार पर कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार आम व्यक्ति को पड़ रही थी उससे कुछ राहत प्राथमिक तौर पर इसको माना जा सकता है। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है,
और हाथ में बोतल में अपने पेट्रोल लेकर जा रहे हैं। 9.5 रुपए पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, कितना माने राहत है? फिलहाल कुछ राहत नहीं है, आज लगातार बढ़ रही महंगाई से युवाओं के लिए तो कुल मिला के ऐसे ही ऐसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद पदार्थ 9.5 रुपए घटा दिए गए हैं पेट्रोल पर और डीजल पर 7 रुपए, कुछ राहत मिलेगी? अभी 9.5 रुपए ये घटा दिए गए हैं, कुछ दिनों बाद ये 9.5 के 18 हो जाएंगे, फिर पता ही नहीं पड़ता। ये तो सरकार है, केंद्र सरकार के, क्योंकि पेट्रोल बैग लेकर क्यों जानी पड़ रही है? अरे क्या है, अभी इतना महंगा हो गया है पेट्रोल, कहीं भी गाड़ी पेट्रोल खत्म हो जाती है, फिर 50 रुपए का लेकर जाना पड़ रहा है, परेशान। बिल्कुल, जिस तरह से ये आपने देखा कि ये पेट्रोल लेकर जा रहे हैं युवा, क्या मान रहे हैं कि इससे थोड़ी राहत मिलेगी आपको? इससे क्या राहत मिलेगी, वो तो काम तो वही है, वो तो हमें ले आना थोड़ा अभी भी और मानते हैं कि थोड़ी और राहत मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि अभी प्राथमिक तौर पर जो राहत उनको मिली है वो ठीक है, लेकिन कुछ राहत और मिलनी चाहिए, क्योंकि अकेला सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें महंगाई की दर जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और इस कारण से कहीं ना कहीं आम व्यक्ति का जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। हालांकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल एक सबसे मुख्य चीजें मानी जाती है, क्योंकि इसके साथ में इसके पेट्रोल और डीजल के चलते ट्रांसपोर्ट की बात करें या अन्य किसी भी संस्थान की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से पेट्रोल और डीजल से प्रभावित होते हैं, और इसका सीधा असर जो है वो उन सारी चीजों पर भी प्रभाव पड़ता है जो आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई होती है। ऐसे में जो तस्वीर अभी सामने निकल कर आई है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, करना होगा आपके पास भोपाल चलेंगे, शब्बीर अहमद से एक बार फिर बात करेंगे। शब्बीर, चूंकि पेट्रोल पंप पर आप मौजूद हैं, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस फैसले के जानने के बाद में, चूंकि कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है? बिल्कुल शुभम, काफी राहत महसूस कर रही है आम जनता, और उसकी वजह यह है कि सरकार ने जो इससे पहले की हमने देखा था कि दीपावली पर 2021 अक्टूबर के आसपास जो राहत दी थी, एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, तो 3-4 रुपए 5 रुपए का फर्क आया था, इतना बड़ा फायदा नहीं आया था, और एकदम से सरकार ने ये फायदा एकदम से एक्साइज ड्यूटी घटाई, और 9.5 रुपए हटाना, एक्साइज ड्यूटी कम करना, ये काफ़ी फायदेमंद आम जनता को, और हमने कई लोगों से बातचीत करी है और उनको काफ़ी खुश होते हुए नजर आ रहे, कई लोगों से बातचीत करते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं, कैसे देखते हैं सरकार के फैसले को? सर बहुत अच्छा है, सरकार का फैसला बहुत अच्छा रहा है सर, जिससे हम लोगों को बहुत फायदा हुआ। आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा इसका, जो डीजल भी कम हुआ, पेट्रोल भी कम हुआ, गैस सिलेंडर भी कम हुआ? नहीं, बहुत फायदा रहेंगे ना सर, जो हम लोगों का 200 रुपए का पेट्रोल लगता था वहाँ 130-140 में काम हो जाएगा, 50-60 रुपए हमारे पर डे का सेविंग हो जाता है, यानी 2000 रुपए ये मान लीजिए महीने की बचत। जी जी सर बिल्कुल। कल से 9.5 रुपए पेट्रोल कम हो रहा है, डीजल 7 रुपए और गैस सिलेंडर 200 रुपए। बढ़िया सर जी, कम से कम एक बार पेट्रोल सस्ता ना हो, लेकिन सिलेंडर बहुत जरूरी है सस्ता होना, क्योंकि आम जनता के लिए वो महंगी चीज है। पेट्रोल तो ठीक है, इंसान 200 भी होगा तो भी डलवाएगी, लेकिन मेन सिलेंडर भाई, चूल्हा चलेगा तभी तो आगे की लाइन होगी। ओके थैंक यू सर जी। भैया आप कैसे देखते हैं 9.5 रुपए पेट्रोल और डीजल 7 रुपए और गैस सिलेंडर 200 रुपए कम, सीधे बड़ी राहत आम जनता को सरकार की तरफ से? देखिए सुनने में बहुत कुछ आता है, होता कुछ नहीं है, आज तक सुनने में बहुत कुछ आया नहीं, दे दिया, फायदा हो चुका है, हो जाएगा जब देख लेंगे, कल रात 12 बजे चालू हो जाए, अगर मिलता है तो कैसे देखते हैं इसको? नहीं कोई इतना बड़ा वो नहीं है, मेन बात आजकल जो देश में बेरोजगारी है, खाली पेट मेन सबसे पहले खाने के ऊपर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, एक्चुअल में फूड इतना ज़्यादा महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया है कि लोगों को फूड में प्रॉब्लम है, पेट्रोल महंगा हो जाए वो सब कुछ ही नहीं, लेकिन खाने की चीज़ सस्ती होना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम एक्चुअल वो है। शुभम देख सकते हैं आपके पास में, कुमार इंदर के पास चलेंगे जबलपुर। कुमार इंदर, तस्वीर क्या कुछ देख पा रहे हैं, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, चूंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, कुमार इंदर जबलपुर। निश्चित तौर पर लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि शायद इस गुफा चुनावी माहौल को लेकर बटोरने के लिए है, क्योंकि पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं, सरकार उसी की तैयारी में चल रही है, पिछले दिन मध्य प्रदेश सीएम शिवराज ने अपना चुनावी दौरा शुरू कर दिया, मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करूंगा। सरकार ने जो पेट्रोल के दाम घटा दिए हैं, डीजल के दाम घटा रही है, कैसे देखते हैं इसको? इसको देख चुनाव से जो भी है अभी देखा है और बताइए। नहीं तो पेट्रोल के डीजल दाम घट गए हैं, इसको सरकार को धन्यवाद बोलेंगे या कैसे बोलेंगे? धन्यवाद तो नहीं बोलेंगे, हाँ। देखो चुनाव जब रहे तो वो रेट उन्होंने वो कर दिए, क्या कर बढ़ा दिए, घटा दिए, और अब जो चुनाव अभी जो आने वाले हैं, कौन से चुनाव आने वाले हैं? पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें घटा रहे हैं, तो ये इसमें मैं कुछ भी संतुष्ट नहीं हूँ कि ये ऐसा है वैसा है,
तो मतलब ये यकीन है कि चुनाव के बाद फिर से दाम बढ़ा दिए जाएंगे? हाँ, ये तो यकीन है कि यहाँ बढ़ा देंगे, क्योंकि इनका ये रूटीन चलता ही है, जैसे चुनाव आ जाते हैं तो बढ़ा देते हैं और फिर वो उन लोग घटाने के लिए वो कहने लगते हैं। चुनाव जैसे ही आएंगे उन लोग बढ़ा देंगे, फिर वो कुमार अंदर कुछ और आपके लोग पीछे आपके नजर आ रहे हैं, मुझे उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जो पेट्रोल भरवाने वाहन लेकर आए हैं पंप पर, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, जानिए कि उनकी जेब पर कितनी बड़ी राहत है। सरकार ने प्राइस घटा दिए हैं, इसको कैसे देखते हैं? अब कैसे देखेंगे, अब क्या बोल सकते हैं, नहीं के ऊपर है जो अब वो करेंगे तो फिर ठीक है, तो बाकी तो जब इलेक्शन आते हैं। चलिए ठीक है कुमार अंदर, शब्बीर अहमद का रुख करेंगे, राजधानी भोपाल चलेंगे एक बार फिर। शब्बीर, एक बड़ी राहत जनता की जेब पर यहाँ पर नजर आ रही है, जनता राजधानी भोपाल में कितनी खुश है, कितना असर उन पर पड़ेगा, बात करने की कोशिश कीजिए, जानिए। ठीक है कुमारेंद्र के का रुख करेंगे, कुमारेंद्र चूंकि बातचीत आप लगातार कर रहे हैं लोगों से जो पेट्रोल भरवाने वहां पर आए हुए हैं, कितनी राहत जनता के जेब पर? तो कुमारेंद्र के पास चलने की कोशिश करेंगे एक बार फिर। तस्वीर आपको बता दें, चूंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए तक कम कर दिए गए हैं, डीजल के दाम 7 रुपए प्रति लीटर तक कम कर दिए गए हैं, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम की है। बहुत शुक्रिया कर्ण मिश्रा, कुमार इंदर, शब्बीर अहमद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।